वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बने ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुबह सुबह निकल गए हैं दोस्तों मॉर्निंग ब्लॉग के लिए। बहुत ही खूबसूरत दिन है दोस्तों। सुबह सुबह मंडे सुबह के 7 बज रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त गाड़ी चला रहे हैं। सुबह ठंड भी बढ़ चुकी है। सोनू भी घर से निकल चुका है, रास्ते में है दोस्तों। यहाँ गाड़ी साइड में लगाते हैं, इंतजार करते हैं सोनू का। सोनू आएगा तो फिर साथ में निकलेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे खड़े होकर सोनू का इंतजार कर रहा हूँ। अभी अपनी बाइक साइड में लगा दी है। बाइक में मैंने फ्रंट में जो कराया, आपने देखा होगा फ्रंट में एक शीशा लगवाया है ये वाला अलग से, और एक लाइट लगवाई है इसकी तरफ। दो लाइटें हो गई और लेमिनेशन कराई है। एक ये लेग गार्ड लगवाया है और इसके अंदर ये ग्राफिक्स वगैरह करें। एक अपने हमने लगा रखी है इसमें। माउंट की कमी नहीं है, माउंट दो तीन का अच्छा लगा रखा है माउंट। तो दोस्तों ये थी बेसिक सी चीज़ें जो कि मैंने अपनी गाड़ी में मॉडिफाई करवाई है। एक ये क्लच दोस्तों, एक ये एडजस्टेबल लीवर भी मैंने अलग से लगवाए हैं। तो दोस्तों सोनू का इंतजार हुआ ख़त्म। सोनू भी आ गया। चलो आगे चलते हैं साथ में। गाड़ी अपनी चालू करते हैं, फुर्ती में आगे निकलते हैं। फाइनली इंतजार हुआ ख़त्म, अब निकलते हैं बिल्कुल सोनू से। वही का है पहले ये दिल्ली यूनिवर्सिटी चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ चलते हैं। बर्फ़ खाने फिर वहाँ से आजादपुर का डालेंगे। आजादपुर से कह तो करे सजंदर भैया को धप्पा बोले धप्पा चले चलते हैं। मैं तो पजामा ही है बच्चा। चलो कागज से चलते हैं, सीधा सीधा तो रास्ता है। दोस्तों अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, पहले चलते हैं सिग्नेचर ब्रिज। सिग्नेचर ब्रिज थोड़ी फोटो वगैरह शूट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे फाइनली हमें जाना कहाँ है। तो निकल गए हैं, सिग्नेचर ब्रिज पर। थोड़ा सिग्नेचर ब्रिज में फ़ोटो वगैरह शूट करेंगे, रील्स बनाएंगे। फाइनली फिर डिसाइड करते हैं हमें आज़ादपुर की तरफ जाना है या फिर सागर की। तो आपके सामने सिग्नेचर ब्रिज फाइनली हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक बार डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है। मंडे मॉर्निंग राइड है सुबह के दोस्तों बच चुके हैं 7 और हम पहुंच गए हैं सिग्नेचर ब्रिज फाइनली। तो दोस्तों सोनू आ गया है हमारे, सोनू से मीटअप हो गया। अब हम निकल रहे हैं अपने दोस्तों कहाँ जाते हैं। सूरज भगवान के दर्शन करने हुए हैं, शादी के लिए है। सूरज भगवान लोगों का ज़बरदस्त काम में निकल चुके हैं। हम पहुँच गए सिग्नेचर ब्रिज। अब यहाँ से प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ जाएं। सुबह के 7 बज चुके हैं दोस्तों और मैं भी 360 में आ रहा हूँ। जबरदस्त घूम रहा हूँ, मैं फोन भी GoPro में आ रहा हूँ।
चले चलो भाई, अब हम जा रहे हैं, हमने प्लान करा है सतेंद्र भैया के यहाँ जाने के लिए। फॉलो अप करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधे ही निकलना है। तो मुंडा नहीं रही कहीं नहीं लेंगे, सागरपुर डाल लेता हूँ मैं अपने मैप में। सागरपुर में किसी को दशरथपुर मेट्रो स्टेशन पास पड़ता है वो। चलो चलो गाइस, दशरथपुर मेट्रो स्टेशन चलते हैं। तो लेट्स गो गाइस। तो दोस्तों फाइनली हम जा रहे हैं सागरपुर दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन। फाइनली डिसाइड कर लिया, अब निकल चुके हैं सिग्नेचर ब्रिज से आगे की तरफ अपनी मंजिल तय करने के लिए सफ़र में। तो दोस्तों हम निकल गए हैं आउटर रोड पकड़ के सीधे सागरपुर की तरफ, आजादपुर होते हुए निकले थे स्ट्रेट सीधा आजादपुर पंजाबी बाग होते हुए सागरपुर की तरफ। सीधा आउटर रोड ले लिया है हमने और तो फाइनली दोस्तों हम पहुँचते हैं बुराड़ी। बुराड़ी से लेफ्ट लेंगे अंदर की तरफ। दोस्तों बुराड़ी से हम लेंगे लेफ्ट, लेफ़्ट लेके एक नहर जाती है राइट, जिसपे वाटर प्लांट भी है, वो वाला रूट पकड़ेंगे वन वे। तो वहाँ से हम निकलेंगे सीधे मेमोरियल जुलिस पार्क। मैं एक बार जा चुका हूँ पिछले, एक बार इस रूट पे जा चुका हूँ कुछ दिन पहले। तो फाइनली अब यहाँ से हम ड्राइवर से लेफ्ट लेंगे। स्वामी मेरे आगे आगे चले क्योंकि रास्ता जो है सागरपुर का मुझे नहीं पता, मैं पहली बार जा रहा हूँ स्वामी, इसलिए मेरे आगे आगे सोनू को फॉलो कर रहा हूँ। मंदिर कहाँ पर सो फाइनली हमने नहर वाला रोड ले लिया है और ये सीधे हमें निकालेगा मौजलिस पार्क। मौजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन काफ़ी अच्छा व्यू है दोस्तों, सिंगल रोड है और साइड में फॉग देख रहे हो आप। सुबह का सा टाइम है तो थोड़ा धुंध भी है, थोड़ी धुंध है और ज़बरदस्त। इस रोड पे हमें आगे मिलेगा एक आई थिंक मेरे हिसाब से जो है मेट्रो का डिपो और एक वाटर प्लांट, दिल्ली जल बोर्ड का वाटर प्लांट। तो फाइनली हम पहुंच रहे हैं एक अंडरपास। अंडरपास जो ये डिपो है ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं मेट्रो का साइन वगैरह है साइन। ये अंडरपास से निकलते हुए कार वगैरह भी चल रही है भाई, इसको शॉर्टकट है, सबको शॉर्टकट पसंद है। सोनू जो है डेली इसी रोड से आने जाना करता है क्योंकि ऑफिस भी हम पहुँच गए हैं आई थिंक। दिल्ली जल बोर्ड कॉरपोरेशन। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं सामने जो मेट्रो स्टेशन आप देख रहे हो ये है मौजलिस पार्क। अब ये रोड पकड़ के हम सीधा निकलेंगे पंजाबी बाग होते हुए दशरथपुरी। चलो स्ट्रेट। ओ गाइस बहुत ज़बरदस्त सुबह सुबह की परफॉर्मेंस, सुबह सुबह राइडिंग करके ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, एक अलग ही अनुभव है। छोटी मोटी राइड पर निकले हैं अभी, एक छोटी सी राइड है, करीब 30-35 किलोमीटर की राइड है ये, अप डाउन 70 किलोमीटर। सो ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये है आज़ादपुर वाला रोड, सिंगल हाईवे है पूरा हाईवे, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है और सोनू भी फुल स्पीड में है।
90 की स्पीड चल रही है दोस्तों, 90, 91, 92। ये जबरदस्त सुपर परफॉर्मेंस, ये TVS भी जबरदस्त 100 टच कर दी। जबरदस्त परफॉर्मेंस दोस्तों, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है राइड करके। तो फाइनली एक सामने बोर्ड तो दिखा, बट देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हम। ये सिर्फ गाड़ी वाड़ी की इन्फॉर्मेशन है। हाँ, सो फाइनली हम पहुँच गए हैं धोलाकुआ, सॉरी स्ट्रेट जाने पे धोलाकुआ और एम्स। सो निकलते हैं अंडरपास, एक और अंडरपास, दूसरे अंडरपास पे। दूसरा अंडरपास कौन सा है? ये प्रेम बाड़ी अंडरपास, प्रेमबारी अंडरपास से निकलते हुए जबरदस्त व्यू, बहुत ही खतरनाक व्यू है दोस्तों, खतरनाक। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है राइड करके। और शायद आई थिंक हम पहुंच गए पैसिफिक मॉल। ओके, राइड में हमारे पैसिफिक मॉल। सो फाइनली और ये मेट्रो स्टेशन कौन सा है? ओके, पंजाबी बाग। सो फाइनली दोस्तों पंजाबी बाग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से सीधे स्ट्रेट, कितना दूर है आई डोंट नो, कब तक पहुंचेंगे एक बार देखते हैं। कितना डिस्टेंस रह गया है अभी? तो काफ़ी दिखला रहा है दोस्तों, काफ़ी टाइम, काफ़ी दूर है अभी। और अपनी गाड़ी का फील भी, अपनी बाइक का फ्यूल भी ख़त्म हो गया है, तो टाइम कहीं फिलअप कराएंगे आगे, अगर कहीं पंप मिला, पेट्रोल पंप मिला तो फिलअप कराएंगे। तो फाइनल दोस्तों हमने एक शॉर्टकट मार दिया है। अच्छा अच्छा, ये हम पहुंच गए हैं सोनू के शोरूम के पास। ये है कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन और सोनू का शोरूम यहीं आसपास है। सो दोस्तों सोनू जो है स्कोडा का शोरूम है, स्कोडा के शोरूम पे एज ए एडवाइज़र है। तेल वगैरह मेरे को डलवाना पड़ेगा, तेल डलवाना पड़ेगा। जबरदस्त परफॉर्मेंस दोस्तों, ये वाओ, व्हाट अ प्लेस, काफ़ी अच्छा सुंदर है। और निकलते हैं हम आगे की तरफ। तो गाइस हम लोग सागरपुर पहुंच चुके हैं, सागरपुर पहुंच चुके हैं दोस्तों। कहाँ पे क्या हुआ? क्या जिम? तो एक बार पूछो कहाँ पे। तो गाइस ये हम सागरपुर मार्केट में घूम रहे हैं सुबह के आठ बजे हम सागरपुर मार्केट में घूम रहे हैं। उन्होंने बोला चलो सागरपुर चलते हैं, ऐसा चलो ठीक है, तो भी छुट्टी है तो लेट्स गो। बच्चे घर पे आराम कर रहे हैं, हम राइड पर निकले हैं। मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म होने वाली है, 3 बैटरी ऑलरेडी हो गए हैं, तो इसलिए मेरे को बैग पैक रखना पड़ेगा, एक छोटा बैग। हाँ वो वाला बैग है, सही बैग है, इसलिए मैं अपना बैटरी GoPro वगैरह जो भी मेरे सामान है राइड पर निकले तो रख ले रखी है। पूरे सो गाइज हम पहुंच चुके हैं सागरपुर सतेंद्र भैया के पास, सरप्राइज देने आया हूँ। हाँ, और सरप्राइज दे भी दिया। कोई नहीं, तो गाइस मुझे भी बाइक लेनी है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लूँ, सुजुकी की लूँ कि R15 लूँ जो V4 आई है व्हाइट कलर में। तो पहले मैं इसे चला के देखता हूँ कि मैं मतलब
सब चीज़ सही है कि नहीं, कमर में दर्द हो रहा है कि नहीं, सबसे पहले तो ये चीज़ देखना है। देख राउंड लगाता हूँ, फिर देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ओए भाई पिकअप लाजवाब, जबरदस्त यार पिकअप भाई। और जो परम भैया ने जो इसके अंदर जो सामान अलग से डलवा रखा है ना, फुल पैसा वसूल कर रखा है। और काफ़ी टाइम के बाद मैं बाइक चला रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास यामा की फैजन था, यामा बाइक फैजन, जो एक डेढ़ साल से मैं बाइक चला ही नहीं रहा हूँ, स्कूटी चला रहा हूँ। तो बाइक लेनी है तो मैं ये सोच रहा हूँ कौन से क्योंकि मुझे पसंद है R15 V4 वाइट कलर। और हम भैया कह रहे हैं ये एक बार आप चला के देखिए, तो ये बाइक भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब इसको चला के मैं कंफ्यूज में पड़ गया, ये लो क्या रोम फाइव है, R5 मतलब R3 लो, उसकी सीटिंग और इससे अच्छी और हो जाएगी, क्योंकि सुजुकी की एक तो हो चुकी है, एक सोनू ने TVS ले ही लिया है, पर हम सोच रहे एक R3 हो जाए, एक R3 ले लेते हैं। बता नहीं सकते लेवल का मजा आ रहा है, तीन बाइक जब एक साथ निकलेगा। और परम भैया भी सोच रहे हैं बाइक से कहीं जाने के लिए, मैं तो जाऊंगा भाई गाड़ी से, ठीक है ठंड का टाइम है, वो जाएंगे बाइक से लंबे टूर पे जाएंगे, बता नहीं सकता कहाँ जाना है लेकिन बहुत ही लंबे टूर पे जाएंगे, प्राइस देंगे। तो परम भैया ने बोला कि बिल्कुल नहीं बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने, और ये और सोनू ये जाएंगे बाइक से, और ठंड का टाइम है तो मैं जाऊँगा भाई गाड़ी से, क्योंकि बहुत ठंड बताना नहीं है ना बिल्कुल कि हम कहाँ जा रहे हैं। प्लान चल रहा है, चल रहा है लेकिन हम बताएंगे अभी नहीं, जो हमारे जो पब्लिक जो हमें बहुत सारा प्यार दे रही है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है कि मनाली वनाली की साइड जा रहे हैं, थोड़ा पास ही नज़दीक जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस और दूर करेंगे, आगे तक जाएगा, आगे तक जाएगा। ठीक है तो आप बैठिए, सही है ना। सो फाइनली दोस्तों आप निकल चुके हैं, हम घर की तरफ पहुंचने वाले हैं सिग्नेचर ब्रिज।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए गाइस। अभी स्टार्टअप है हमारा मोटर ब्लॉगिंग का, तो आपके सपोर्ट से ही आगे जाएंगे, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी को राम राम दोस्तों।